एटीट्यूड्स प्रिंसिपल, लीच एटीट्यूड्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो उसके इक्विलिब्रियम के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा। In order to minimize the effect of the change, for example, ये एक reaction है जिसमें reactants जाकर product में convert हो रहे हैं। हमने start में 10 moles of reactant लिए हैं और start में products के 0 moles थे, यानी time t is equals to 0 पे। तो जब equilibrium achieve हो जाएगा तो मान लेते हैं हम कि equilibrium पे reactants के 5 moles रह गए और 5 moles जो है reactants के product में convert हो गए। तो अभी equilibrium पे reactants और products दोनों constant रहेंगे और ये तब constant होंगे जब rate of forward रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब ये कंडीशंस पूरी हों, फुलफिल हों। और फर्स्ट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। और तीसरी एक कंडीशन होती है कि रिएक्शन शुड बी कैरीड इन सील्ड कंटेनर। So that no substance leave or enter the reaction mixture. अब अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, यानी हम टेम्परेचर के साथ प्रेशर वॉल्यूम या फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसी चीज़ की कंसंट्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम दोबारा से सेट करने के लिए फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं उनको हम लीच एटलियट्स प्रिंसिपल में डिस्कस करते हैं। अब लीच एटलियट्स प्रिंसिपल डिस्कस करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो लीच एटलियट्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन होगी इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट स्टेट्स दैट if change is imposed on a system at equilibrium, the position of equilibrium will shift in a direction which tends to reduce their change. Yes, इसलिए चैटलियर प्रिंसिपल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं if the stress is applied to a system at equilibrium, the system acts in such a way so as to nullify as far as possible the effect of that stress. यानी एक रिएक्शन जिसने इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई स्ट्रेस अप्लाई कर लिया जाए तो वो सिस्टम अपने स्ट्रेस को नलीफाई करेगा और नलीफाई करने के लिए वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या रिवर्स डायरेक्शन में, इन ऑर्डर टू नलीफाई द स्ट्रेस इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम। तो अब स्ट्रेस कितने किस्म के अप्लाई हो सकते हैं? स्ट्रेस 3 किस्म के अप्लाई हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन,
इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की साइड पर हम कंसेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ये भी एक सिस्टम के लिए स्ट्रेस होगा. इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, दोनों सेम चीजें हैं, प्रेशर और वॉल्यूम. प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आते हैं. तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम कम करना, और प्रेशर कम करने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ाना. और तीसरा चेंज जो हम इस रिएक्शन में के अंदर ला सकते हैं वो है चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो इन तीन किस्म के चेंजेस का हम इफेक्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. सबसे पहले हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन. तो हम एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसके अंदर बिस्मथ क्लोराइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, और ये बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बनाता है और साथ में 2 moles ऑफ HCl. अब ये वाली जो चीज है ये मिल्की है. इस चीज को आर्टिफिशियल मिल्क भी कहा जाता है. यानी ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्शन मिक्सचर मिल्की होता जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मिक्सचर क्लियर होता जाएगा. तो इस रिएक्शन में बिस्मथ क्लोराइड और वाटर दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड और HCl दोनों प्रोडक्ट्स हैं. दीज आर रिएक्टेंट्स और ये दोनों चीजें जो हैं प्रोडक्ट्स हैं. अगर हम रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ाएंगे, इनकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इनकी मिकदार को कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. और इसके बरहक्स ये तो एक चेंज है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी बिस्मथ क्लोराइड या वाटर, इन दोनों में से दोनों या किसी एक चीज की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फिर इनकी मिकदार को कम करना चाहेगा. इसके बरहक्स अगर हम प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था, और प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए. एक तीसरा केस बनता है कि डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जब रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. रिएक्शन और रिएक्टेंट्स बनाता जाएगा. इस दूसरी तरह हम अगर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे, तो तब इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और प्रोडक्ट्स बनाता जाएगा. रिएक्टेंट्स की मिकदार कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट्स बनाता जाएगा, और प्रोडक्ट्स की मिकदार कम करने से यानी इन चीजों को विदड्रॉ करने से रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा ताकि इनकी मिकदार को बढ़ाया जाए. तो इस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार कम करने या बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होता है, और रिएक्शन फिर उस हिसाब से या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है. इसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. दूसरे नंबर पर आ जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम. तो ये बात तो आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा. तो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखने के लिए हमें कोई ऐसा रिएक्शन देखना होगा जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिफरेंट है. अब जैसे ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 moles ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये रिएक्टेंट्स है वाली साइड है और ये प्रोडक्ट्स वाली साइड है. रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3 है. नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 3 है, और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है. यानी रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इनका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहे हैं तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. तो अब इस रिएक्शन पे इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम कैसे इफेक्ट करेगा.
अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें, दोनों सेम ही चीज़ है, वॉल्यूम इंक्रीज करें या प्रेशर डिक्रीज करें, तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, यानी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन अकर। इसके बरक्स अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें या प्रेशर को इंक्रीज करें, अब चूंकि वॉल्यूम कम हो गया है तो कम वॉल्यूम की वजह से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम कौन सी साइड पे है, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे है, तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से इंक्रीजिंग प्रेशर या डिक्रीजिंग प्रेशर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है। लेकिन याद रखना है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट उन रिएक्शंस पे होता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे डिफरेंट हो। अगर तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे सेम हो, जैसे कि ये वाला रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, 1 mole हाइड्रोजन का है, 1 mole आयोडीन का है। प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 moles हैं, 2 moles इधर हैं और 2 moles इधर हैं। तो इस रिएक्शन पे नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम। इसके बाद एक और फैक्टर जो कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो या तो एक्सोथर्मिक होते हैं या फिर एंडोथर्मिक होते हैं। रिएक्टेंट्स जाकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएंगे। दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स वाली साइड पर होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिएक्टेंट्स वाली साइड पर होती है। तो अब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन का टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है कम एनर्जी पे है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। इसके बरक्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो रिवर्स रिएक्शन विल अकर। रिवर्स रिएक्शन अकर। इधर अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पर आ रही है, यानी रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और टेम्परेचर कम करने पे रिवर्स रिएक्शन होता है। जैसे मैंने इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर आप एनर्जी को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मानो, तो अगर तो एनर्जी प्रोडक्ट्स में आएगी तो एनर्जी की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर एनर्जी रिएक्टेंट्स में आएगी तो एनर्जी की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।